सब मिनी के मास्टर ब्लास्टर्स रोबोटिक्स के साथ मचाएंगे ओथामा। प्लीज वेलकम मस्ती का गो डाउन जो पीछे पड़ता है ऑन हर लड़की इन टाउन। नागपुर का संतरा क्लॉस पीयूष गुरभेले और उनके साथ है डीआईडी लिटिल मास्टर सीजन 2 के विनर जिनकी किलर डांसिंग को देखकर गीता मां ने तो उन्हें गोद ले लिया था। डांसिंग और एक्टिंग के डिपार्टमेंट में सोने की खान द कंप्लीट परफॉर्मर फैजल खान। फैजल आपके हर एक घूमर के सिग्नेचर स्टेप्स अलग थे और ब्रिलियंट थे। कार्टव्हील जो आपने किया और उसमें इन्होंने एक दूसरे तरीके से आपको पकड़ के साथ में कार्टव्हील किया वेरी नाइस। पीयूष यस सर, एक लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है कि आप जिसको देखते हो जिससे इंस्पायर होते हो एक दिन उनसे बेटर डांस करके दिखाओ। कहीं मुझे लगा आज आपने फैजल को ऐसी टक्कर दी है कि ये भी याद रखेगा कि किस पंगे से पाला पड़ा है मेरा। यू आर ब्रिलियंट टुडे। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स आई हैव सीन इन योर डांसिंग। And yes, bro, you deserve all of this. सदा स्वागत रहेगी। तू तो जीता हुआ मेरा बच्चा है। आज आपने इनके साथ डांस करके जो मतलब सोने पे सुहागा कर दिया आज आपने। मर्जी की बात पे मैं सहमति रखूंगा, आपने तो फाड़ के रख दिया। पर फैजल ने जो आपको यहां से वहां उठा के उठा के घुमा के जो किया है पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन में यहां तक कि लिफ्टिंग में हर तरह से आपने उसको सपोर्ट किया तो अमेजिंग एक्ट।
और ये तो दोनों के लिए, और ऑब्वियसली हक से ले रहे हो आप पीयूष. Yes, you guys are chik chik boom fire. Thank you so much, sir. Thank you so much. जो जोड़ीदारी थी, कहीं पे भी कोई एक कम या दूसरा बेटर या दूसरा कम या पहला वाला बेटर ऐसा लगा ही नहीं हमें. दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एक्ट टू मेक द एक्ट लुक वाओ सुपर्ब गाइस, माइंड ब्लोइंग. और मेरे लिए आज आप लोगों ने ये एक्ट करके तोड़ दिया, फोड़ दिया, मरोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया यार. पीयूष, आज तुमने मुझे हिला दिया दोस्त. व्हाट अ परफॉर्मेंस. मैं उम्मीद करता हूं कि शायद डीआईडी 6 में मुझे एक और फैजाल खान मिल जाए. आज क्या बात है. ये दिल से ही कहना चाहता हूँ कि डीआईडी से ही शुरुआत हुई और यहीं से सब कुछ मिला. आज जो रिस्पेक्ट मिल रही है, जो डांस कर रहा हूँ, वो सब डीआईडी की वजह से. और जो मुझे सीरियल भी मिला था जिसमें मैंने एक्टिंग की है, वो भी मेरे डीआईडी में मैंने एक तांडव एक्ट किया था, उसके बेस पर मुझे वो सीरियल मिला था. तो थैंक्स टू जी टी वी, थैंक्स टू डीआईडी, थैंक यू जजेस, थैंक यू ग्रैंड मास्टर. आज तुमको जो कुछ भी मिला है फजल, तुमने सही कहा कि सब शुरुआत यहीं से हुई थी. डीआईडी ने बहुत कुछ दिया है. सब पूछते हैं दादा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे पूछा जाता है कि क्या दिया है, इसके बाद क्या जवाब दूं मैं. डीआईडी जिंदगी देता है. मिनी, इट वाज समथिंग बियॉन्ड बियॉन्ड बियॉन्ड. और एक बार बोलता हूँ, और एक बार, अरे और एक बार खड़ा हूँ. क्या कहना चाहोगे फैजल को? फैजल खान नाम में इतना दम है. बहुत 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 लकी मानता हूँ कि मुझे इनके साथ डांस करने का मौका मिला. और मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं ये, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से मेहनत किया है और इनकी स्टोरी पूरे इंडिया को पता है कि अंकल ऑटो चलाते थे और फिर इन्होंने डीआईडी में आके अपने टैलेंट से इतना मेहनत किया कि आज वो अपने पापा को प्लेन में घुमाते हैं, उनका खुद का घर है. और वो जिस तरीके की लाइफ दे रहे अपने पापा को, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी मेरे पापा को और मम्मी को उस तरीके की लाइफ दूँ. क्योंकि कुछ साल पहले पापा बॉम्बे में गवर्नमेंट जॉब में थे और पापा को फ्रॉड केस में फंसाया गया और पापा गवर्नमेंट जॉब से सस्पेंड हो गए. उसके बाद पापा नागपुर आए. नागपुर आने के बाद घर नीलामी पे चले गया क्योंकि वो बैंक लोन पे था. घर नीलामी पे आने के पहले पापा ने घर बेच दिया, पापा ने गाड़ी बेच दिया. पापा के पास आने जाने को कुछ नहीं था. पापा मेरी साइकिल लेके उनके जॉब पे जाते थे, कभी पैदल आते थे. पापा बार में काम करते अकाउंटेंट का और वो मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक दिन अपने डैड को उस तरीके की लाइफ दूँ और मैं भी वैसा ही नाम कमाऊँ जैसे इन्होंने कमाया है. पापा मम्मी आई लव यू सो मच और मैं डेफिनेटली एक दिन आपको वो लाइफ दूँगा, बहुत कम्फर्ट लाइफ दूँगा. और जिस वे से आप लोग अभी गुजर रहे हो वो दिन आपको कभी देखना नहीं पड़ेगा और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ. पीयूष थैंक यू सो मच. मुझे अच्छा लगा ये सारी चीज़ें सुनकर और मैं और हार्डवर्क करूँगा ताकि मैं और लोगों को इंस्पायर कर सकूँ. आज मैं थैंक्स बोलता हूँ डीआईडी को एंड ये उम्मीद भी रखता हूँ कि कुछ सालों बाद पीयूष भी वापस आके ऐसे ही थैंक्स बोलेगा डीआईडी.
Thank you both of you. Wish you all the very, very best. एक बात बोलना बहुत जरूरी है ये गाना एक्चुअली ऑडियो रिलीज हो चुका है ये पद्मावती का गाना है और एक्चुअली कोरियोग्राफ किया है कृति मैडम ने ये भी डीआईडी की देन है देन है भाई देन है थैंक यू